सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आया, फार्मेसिस्ट और भी अन्य पद हैं जिनके लिए यहाँ पर बम्पर भर्ती होने जा रही है। 8वीं, 10वीं, 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क भी जमा नहीं कराना होगा। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है स्टाफ नर्स, फार्मेसिस्ट, आया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट हॉस्पिटल, ECG टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर और भी अन्य पद हैं जिनके लिए यहाँ पर 1105 वैकेंसीज हैं। इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। NM डिप्लोमा धारक या फिर BSc नर्सिंग डिग्री धारक कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अन्य मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा यहाँ पर आपकी 18 साल मिनिमम रखी गई है। सैलरी आपको 16,250 से 60,000 के बीच में पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आपको इस भर्ती पर जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आप आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो ईमेल के माध्यम से। वेबसाइट है pmc.gov.in। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 20 मई 2020 है। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो। जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है, और क्या यहाँ पर पदों की संख्या है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ से विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो। और पूरी डिटेल यहाँ से विस्तार पूर्वक रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए दिए गए फॉर्मेट, जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर लास्ट डेट से पहले पहले ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पर इसको सबमिट कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ईमेल एड्रेस है mohcontract@punecorporation.org। इस ईमेल एड्रेस पर आपको नीचे दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।